सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के वीकली करेंट अफेयर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट जो हमारे CGPSC और CGVAPA में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस का एनालाइज करेंगे। दोस्तों, मैंने इसमें 8 से 15 मई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया है। इससे पहले 1 से 8 मई के मैंने लेक्चर बना रखे हैं जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैंने पहले अप्रैल महीने के भी करेंट अफेयर की वीडियोस बना रखे हैं। आप सबसे पहले उन सभी वीडियोस को देखिए, उसके बाद इसको आप लोग देखिएगा। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैंने और भी CGPSC CGVAPA से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल में अपलोड कर रखे हैं, उन सभी को आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, धान की प्रोत्साहन राशि 2020 में पहली किस्त किस माह में दी जानी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मई माह में। इसका और डिटेल में देखते हैं। तो समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदे गए धान के अंतर की पहली किस्त ₹350 मई माह में दी जानी है तथा दूसरी किस्त जुलाई अगस्त में दी जानी है। इससे 18,34,000 किसान लाभान्वित होंगे। तो आप याद रखिए, ₹350 की दर से पहली किस्त दी जाएगी और यह राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी जानी है, जिसके लिए इस साल के बजट में ₹6,100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा, कितने का प्रावधान किया गया है, तो ₹6,100 करोड़ का। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अचानक मार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कितने नए प्रजाति के पक्षियों को देखा गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 नए प्रजातियों को देखा गया है। डिटेल में देखते हैं। टीकल ब्लू, फ्लाई कैचर, वाइट रम्ड सांबा, ऑरेंज हेडेड थ्रस था और इंडियन पित्ता सौरंग, इन चारों पक्षियों को अचानक मार वन क्षेत्र में देखा गया है। वन विभाग के सर्वे के अनुसार वहां के जंगलों में 200 प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं, जिनमें 80 प्रकार के पक्षियों की सूची तैयार कर ली गई है। प्रत्येक वर्ष इंडोनेशिया व चीन के ग्रे बेलीड कक्कू सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया और चीन से। कौन सी पक्षी? तो ग्रे बेलीड कक्कू पक्षी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कृषकों के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ की किस समिति का पुनर्गठन किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शाख सहकारी समिति। राज्य में प्राथमिक शाख सहकारी समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। इस समिति की सीमा एक ही जिले में होगी। सहकारिता विभाग के सचिव प्रसन्ना आर ने सभी सहकारी समितियों से 5 जून तक रिपोर्ट मांगी है। सहकारिता के मामले की सुनवाई जिला अधिकारियों को प्रत्येक माह करनी होगी। तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शाख सहकारी समिति का पुनर्गठन किया गया है कृषकों के समग्र विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ में ई नोटिस बोर्ड मोबाइल ऐप का लोकार्पण किस विभाग द्वारा किया गया है? दोस्तों, आप लोग वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लास्ट में काउंट करिएगा कि कितना आप लोग सही और गलत करते हैं, इससे आप लोगों की एक्यूरेसी का पता चलेगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में TS सिंहदेव जी ने इस ऐप का लोकार्पण किया है। इसका और डिटेल में देखते हैं। इस ऐप के जरिए पंचायत जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ आम नागरिक भी शासन, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा जारी सूचनाओं को मोबाइल पर ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाली लघु वनोपजों की संख्या 23 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो दोस्तों, पहले 23 लघु वनोपज खरीदे जाते थे, जिसमें 2 वनोपज और शामिल किए गए हैं, जिनकी भी खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इससे संख्या बढ़कर 25 हो गई है। तो कौन कौन से 2 नए लघु वनोपजों को खरीदा जाएगा और डिटेल देखते हैं। तो इसमें
गिलोय और भेलवा को शामिल किया गया है, जिसका पिक्चर आप लोग देख चुके हैं पीछे। ट्राइफेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ ने अकेले 30 करोड़ के लघु वनोपजी की खरीदी की है, और खरीदी के मामले में यह प्रथम स्थान में है पूरे प्रदेश, मतलब कि पूरे राज्य में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में IIT भिलाई के किस प्रोफेसर ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की स्टडी के लिए एक्टिव मैटर मटेरियल की खोज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर ध्रुव प्रताप जी, जो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो और डिटेल में देखते हैं, यहाँ पे भ्रूण आएगा। इस खोज के जरिए कैंसर और भ्रूण से जुड़ी बीमारियों के इलाज और स्टडी में फ़ायदा मिलेगा। ज्ञातव्य है कि यह रिसर्च इंटरनेशनल रिसर्च मैगजीन नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ था। नंबर 7 है, महाराणा प्रताप की देश की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायपुर में। डिटेल देखते हैं, राजधानी रायपुर के टाटीबंध चौक पर 19 फीट की मूर्ति का अनावरण 10 जुलाई 2017 में किया गया था। इसे मूर्तिकार नेल्सन ने बनाया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसने बनाया है? तो नेल्सन ने बनाया है, ठीक है। और यह मूर्ति राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बनी 24 फीट की मूर्ति के बाद दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है भारत देश में, इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरगुजा। डिटेल में देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी ने अमृत मिशन के तहत, दोस्तों याद रखिएगा, इस ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट को राज्य में संचालित अमृत मिशन के तहत सरगुजा के ग्राम कतकालो में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी मिशन संचालित है, उसका मैं अलग से अच्छे से डिटेल में वीडियो अपने चैनल में बनाकर अपलोड करूंगा, जो CGPSC मेंस प्री और व्यापम में आयोजित होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो उसका और डिटेल में देखते हैं, अंबिकापुर को मिशन अमृत के तहत 106 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शहीद गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ में पहली बार किस फल की हाइब्रिड नस्ल तैयार की जा रही है? तो दोस्तों यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऑप्शन सी है आंसर इसका। डिटेल में देखते हैं, इससे पहले अनाज वाली फसलों पर ही इसका प्रयोग किया गया था, मतलब कि जो हाइब्रिड बीज बनाने की विधि है उसमें उसे पहले अनाज वाले फसलों में ही इससे पहले उपयोग किया गया था। पहली बार काजू में इसका प्रयोग किया गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने कॉलेज के कैंपस में ही काजू नर्सरी तैयार कर ली है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन में पूरे प्रदेश में कौन से स्थान में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठवां स्थान। डिटेल में देखते हैं, यहाँ आधुनिक तकनीक से मछली का उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ देश के 6 राज्यों, जिसमें ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि शामिल है, कि किसानों को मछली बीज यहाँ के किसान निर्यात करेंगे। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 250 करोड़ मछली बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मछली बीज उत्पादन में कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ ने हासिल किया है, तो छठवां स्थान। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल विलेज कॉटेज के निर्माण केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाला छापर जसपुर में। तो यहाँ पे याद रखिएगा, स्वदेश दर्शन योजना के तहत इस ट्राइबल विलेज कॉटेज का निर्माण किया गया है। 8 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ के चौथे कॉटेज के निर्माण अंतिम चरण में पहुँच गया है। कॉटेज में पूरी तरह से जनजातीय जीवन शैली के साथ पर्यटकों को रहने की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इस तर्ज पर इसके आसपास 10 एकड़ में चाय बागान विकसित करने की भी योजना बनाई गई है। तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से उतना ज़्यादा
कंटेंट आ नहीं रहे हैं, तो इसमें बहुत मेहनत करके चॉइस करना पड़ता है कि कौन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ के बजट में कितनी फीसदी की कटौती का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30% का। डिटेल में देखते हैं, वित्त विभाग द्वारा 2020-21 के खर्चों में एक तिहाई कटौती करने तथा योजना कार्यों में प्राथमिकता निर्धारित कर कार्यवाही करने की निर्देश जारी किया गया है। यह निर्णय 2019 से जारी आर्थिक मंदी और कोविड-19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण यह फैसला लिया गया है। याद रखिए क्यों लिया गया है, तो आर्थिक मंदी और कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्थित नालंदा परिसर को किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे। दोस्तों इस नालंदा परिसर में लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी नेटवर्क्स जिसमें 100 MB/s स्पीड होता है तथा ग्रीन कैंपस आदि सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के लाडले सपूत को चिरस्थायी बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है और आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर रायपुर में उनकी प्रतिमा लगाए जाने की स्वीकृति भी राज्य सरकार ने दी है। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक के लिए खेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को किस खेल की जिम्मेदारी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तीरंदाजी। डिटेल में देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक अब 2021 में होगी, लेकिन भारत का लक्ष्य है 2028 का ओलंपिक और उसमें टॉप 10 में आना है। केंद्र सरकार ने वन स्टेट वन गेम के तहत छत्तीसगढ़ को आर्चरी की जिम्मेदारी दी है। तीरंदाजी को ही आर्चरी बोला जाता है, ठीक है। तो 2028 ओलंपिक के लिए 14 खेलों को चुना गया, जिनमें आर्चरी, तीरंदाजी, बॉक्सिंग, शूटिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग, हॉकी, साइकिलिंग, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, स्विमिंग, जूडो, फेंसिंग और रोइंग आदि शामिल है। तो ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ को कौन से खेल की जिम्मेदारी दी गई है, तो आर्चरी की। दोस्तों आज अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें अपने छोटे भाई बहन लोगों को जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में।